बनखेड़ी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश के तत्वाधान में प्रदेश के सभी जिले तहसीलों में 5 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय भूख हड़ताल धरना देकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की 5 मांगे। प्राइवेट स्कूल में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा RTE के अंतर्गत छात्र छात्राओं की 2011-12 की रोकी गई राशि का तत्काल भुगतान किया जाए। वर्तमान सत्र का प्रवेश चालू किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की कक्षा 1 से 12 तक की मान्यता बिना किसी निरीक्षण परीक्षण के 5 सालों के लिए मान्यता का नवीनीकरण किया जाए। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए में शासन द्वारा समस्त गतिविधियों को चालू कर दिया गया, केवल स्कूलों को बंद रखा गया। अतः कोरोना महामारी के बचाव हेतु गाइडलाइन का पालन करते हुए तुरंत स्कूलों में संचालित करने का पारित किया जाए। कोरोना वायरस के कारण प्राइवेट स्कूल संचालकों को आर्थिक और मानसिक परेशानी की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। अतः स्कूलों से गुजरने वाले विभिन्न राशि जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स बिल, पानी बिल, जिन संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के लोन लिए गए उनके मासिक किस्त वर्तमान सत्र के लिए रोका जाए और ब्याज माफ किया जाए। शासन द्वारा संचालकों और शिक्षक स्टाफ को तत्काल आर्थिक मदद प्रदान की जाए। इन समस्याओं को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा एक दिवसीय भूख हड़ताल करके बनखेड़ी तहसीलदार राजीव कहार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में दुर्गेश पचौरी, विवेक पलिया, अनिल वशिष्ठ, प्रशांत पचौरी, हिमांशु श्रीवास्तव, चंदन पटवा, दिनेश बसेडिया, मालती कुशवाहा सहित बनखेड़ी क्षेत्र के प्राइवेट स्कूल संचालक मौजूद रहे। फोटो खींच के उसको किस किस को चाहिए वो बता देना। समझ गए। बिल पहुंचा देंगे। अब तो वीडियो बनाओगे ना? हाँ बना लो। इधर वहीं पे धरने पे यहाँ का भी बना लो। हाँ यहाँ भी ले लो, फ्लेक्स लगाना। आगे तो 500। खबर भारतवर्ष के लिए बनखेड़ी से कमलेश नामदेव की रिपोर्ट। प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।